बात अष्टोत्तर शत ज्ञान यज्ञ का बहुत बड़ा आयोजन हमारे चित्रकूट में तीसरी बार आचार्य श्री नवलेश दीक्षित जी महाराज जी के द्वारा होने जा रहा है, जिसमें सभी विप्र देवताओं के साथ और हमारी श्रद्धेया माताएं बहनें अपने सिर पर कलश लेकर के और जो हमारे सभी मुख्य यजमान बने हुए हैं साधु संतों के साथ हम पूरी परिक्रमा श्री कामरनाथ जी की करेंगे। और यहाँ से हम श्री बरहा के हनुमान जी महाराज से हमारी शोभा यात्रा प्रारंभ हो रही है। आगे चल करके हम पीली कोठी में रुकेंगे, श्री राम मोहल्ला में रुकेंगे, बिरजा कुंड में होते हुए और पूरी परिक्रमा करके हम पुनः इसी स्थान पर श्री बरहा के हनुमान जी में भगवान की शोभा यात्रा का विश्राम करते हुए और यहाँ से सभी के साथ जगन निवास के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ श्री रामार्चा महायज्ञ का कार्यक्रम चलेगा, वहाँ पर रामार्चा महायज्ञ में हम सभी लोग दर्शन करेंगे, भाग लेंगे और इसके बाद फिर शाम को श्रीजी भवन सीतापुर में सभी वेदियों का निर्माण होगा और वेदियों का निर्माण हो करके फिर कल से वहाँ पूजन प्रारंभ होगा और भागवत जी की कथा जो रहेगी। आस्था भजन आस्था लाइव सभी लोग 1 बजे से 4 बजे तक पावन कथा का दर्शन करेंगे। सुबह प्रातः 7 बजे से विप्र देवताओं के साथ 108 के अलावा भी हमारे पास बहुत से ब्राह्मण हैं, 151 ब्राह्मण हो गए हैं, उनके द्वारा भागवत जी का सस्वर मूल पाठ ऐसा कार्यक्रम रखा गया है। और भोपाल से आए हैं, मैं हूँ, मेरे पति देव हैं, बाकी मेरा पूरा ग्रुप है भागवत मंडल और गुरुदेव का आशीर्वाद जो हमें प्राप्त हुआ है। आज हमें चित्रकूट का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमको कलश यात्रा और भागवत का हमको सुनने का ये बड़े हम धन्य हैं। यहाँ पवित्र नगरी में आकर हमको ये चीज गुरुदेव की आज्ञा से उनके चरण वंदना से हमको ये चीज आज आशीर्वाद मिली। मैं उनको सब सब प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, उनकी चरण वंदना। नाम हरिमर्दन सिंह, मैं जबलपुर से आया हुआ हूँ गुरु जी के अष्टोत्तर पे 108 भागवत पर। और इस भागवत पे देश के हर जगह से लोग आए हुए हैं, कोने कोने से, और इसका आनंद ले रहे हैं। मैं आप सभी से भी यही निवेदन करूँगा कि आप लोग भी इस अष्टोत्तर में शामिल होकर अपने जीवन को धन धन बनाएं और भागवत का ज्ञान लें।